यहाँ का चरगा बड़ा मशहूर है ब्रॉस टाउन का, वैसे भी बहुत पुरानी शॉप है हमारे एरिया के अलहमदुल्ला। ये कराची में आपको चरगा अगर खाना है तो हुसैनाबाद का नाम ज़रूर आता है, और हुसैनाबाद में भी हमने ब्रॉस टाउन एक वाहिद रेस्टोरेंट है जिसने स्टार्ट करा था। मेरे वालिद साहब मरहूम सोहेल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये स्टार्ट करा था 1996 में, सऊदी अरब से मशीन लेकर आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई आज हम मौजूद हैं मेन हुसैनाबाद पर, और हुसैनाबाद आने की रीज़न है कि भाई यहाँ पर मिल रहा है ग्रिल चरगा। ब्रॉस टाउन का ये ग्रिल चरगा है, तो भाई उनके अलावा भी इनके पास बहुत सारे आइटम हैं, बारबेक्यू में हैं, चाइनीज़ हैं, फ़ास्ट फूड है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास मेन्यू में मौजूद हैं। लेकिन ख़ास आज हम आज इनका ये चरगा ग्रिल चरगा फुल स्पाइसी वो खाने के लिए आए हैं। तो भाई चलते हैं अंदर, थोड़ी सी मेकिंग भी देख लेते हैं, थोड़ी सी ऑनर से भी बात कर लेते हैं कि भाई कितना टाइम हो गया इनके इस चरगे को बनाते हुए, और ये रेसिपी कौन लेकर आया था। तो चले आए हम, चलते हैं आज का ये ब्रॉस टाउन का चरगे का सीन ऑन करते हैं। तो भाई ये देखें, ये है मेन हुसैनाबाद की फूड डिस्ट्रिक्ट की रोड। अगर आप तब्बा हॉस्पिटल से वो सीधा सामने से आएंगे तो भाई आपके राइट हैंड पर पड़ेगा ये ब्रॉस टाउन। माशाल्लाह से भाई यहाँ पर देखें, आपको मैं साथ साथ दिखा दूँ, तो भाई यहाँ पर चरगा तैयार हो रहा है एक जगह पर, चरबे की काफ़ी वसी रेंज है। और भाई वैसे मैं एक बात आपको सही बता दूं कि चरगा जो हुसैनाबाद पे इंट्रोड्यूस कराने वाले ना, यही ब्रॉस टाउन है, और इनका चरगा भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर आके ट्राई कीजिएगा। और दूसरी तरफ इनके देखें भाई, यहाँ पर जो है बारबेक्यू वगैरह लगा हुआ है, और बारबेक्यू की तैयारी भी चल रही है साथ में। और एक तरफ अब अगर आप आएँगे तो यहाँ पर भाई इनका ब्रॉस्ट वगैरह का सिस्टम है, और चाइनीज़ भी इनके पास काफ़ी लगा हुआ है। तो देखें भाई ये इनका मेन्यू भी आपको मैं दिखा दूँ साथ साथ, ये देखें भाई चरगा का देख लें, चाइनीज़ है, फास्ट फूड, रोल्स, बारबेक्यू, भाई डिलीवरी वगैरह का भी इंतज़ाम है। तो ये सारी मेकिंग चल रही है, और उनकी कुछ लेबर अभी बैठ के दूसरा काम कर रही है भाई, पार्सल वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं ना। तो भाई फिर आज बड़ा ज़बरदस्त सीन होने वाला है वो। भाई देखें ये चरगे ग्रिल हो रहे हैं, और इसका मसाला आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त भाई। तो ये देखें एक सीख ऊपर लगी हुई है और एक सीख नीचे, बस ये ऑलमोस्ट रेडी है तकरीबन। तो बस उस्ताद अभी तैयार कर रहे हैं हमारे ज़बरदस्त से। उस्ताद क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक हैं आप? दुआ अल्लाह का शुक्र है सर। कितना टाइम हो गया माशाल्लाह चरगा बनाते सर? हमारे को 13-14 साल हो गए इससे लैंड में आए हुए। जी सर, स्पाइसी बना रहे हो? बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। खाएंगे आज फिर हम बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, बेफिक्र हो जाओ सर। एक चरगा ये तैयार सर आधा पौना घंटा लग जाता है। आधा पौना घंटा लग जाता है, बिल्कुल मशीन में लगा देते हैं। जी जी बिल्कुल, तकरीबन ये आधा पौना घंटा घूमती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। ये देखें ये मशीन बता रहा हूँ उस्ताद, तो भाई माशाल्लाह लगे हुए तो ज़बरदस्त है। और ये मुर्गी कितने के जी की होती है, किलो कितनी हो जाती है सर? 1.25 किलो की होती है। 1.25 किलो? जी जी जी, ठीक है भाई, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका ब्रॉस टाउन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है। अच्छा, ये वालिद साहब की हमारी वो थी बिगिनिंग, उन्होंने स्टार्ट करा था ये रेस्टोरेंट 1992 में। अच्छा। तो अब लेगेसी में बेसिकली मैं और मेरा भाई है, हम दोनों इसको चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर अच्छे हैं, कस्टमर काफ़ी क्लाइंटेल है। फिर दूसरा ये हमारा यूनिक आइटम है चरगा। पूरे कराची में आपको चरगा अगर खाना है तो हुसैनाबाद का नाम ज़रूर आता है, और हुसैनाबाद में भी हमने ब्रॉस टाउन एक वाहिद रेस्टोरेंट है जिसने ये स्टार्ट करा था। मेरे वालिद साहब मरहूम सोहेल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये स्टार्ट करा था 1996 में, सऊदी अरब से मशीन लेकर आए थे, और यहाँ पे उन्होंने ये एक अपनी रेसिपी से स्टार्ट करा। तो माशाल्लाह बड़ा लोगों को पसंद आया, बड़ा मशहूर हुआ, उससे फिर हमें भी एक रिकग्निशन मिली कस्टमर की तरफ से। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट वैरायटी स्टार्ट करी। फास्ट फूड में हमने जिंगर बर्गर, चाइनीज़ स्टार्ट करा, फ्राइड राइस बहुत मशहूर है, बारबेक्यू में टिक्का बोटी कबाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि सिर्फ चरगा ही हम बेच रहे, बाकी सारी चीज़ें भी अप टू द मार्क बहुत अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं। लोकेशन अगर आप हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर आ रहे हैं तो खाई मेमन मस्जिद है, उससे आप सीधा आएंगे टूवर्ड्स तब्बा हॉस्पिटल। तो मेरा ख्याल है आपका 8-10 रेस्टोरेंट छोड़ के लेफ्ट में ही आपका ये रेस्टोरेंट पड़ता है। ठीक है। टाइमिंग की ये है कि अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में तो ये है कि अफ्तार से लेके तिल सहरी हम मुकम्मल अवेलेबल हैं, और अफ्तार से पहले भी अगर कोई कस्टमर हमें डिलीवरी के ऑर्डर्स देते हैं तो हम वो भी कैटर करते हैं। और इसके अलावा रमज़ानों के बाद हम सुबह 12 बजे से लेके रात 4 बजे तक बैठे होते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट के साथ साथ हम लोग अब ये है कि रेस्टोरेंट के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी हम अपना लाइव चरगा बनाते हैं, जिसमें मशीन हमारा बंदा वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो है वो लाइव प्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें भी काफ़ी इज्जत दी है। अगर आप लोगों को भी करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर वगैरह सब है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और
डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? जी डिलीवरी अलहमदुल्ला पूरे कराची में करते हैं। अच्छा। और उसका नंबर है 0213-633-0725 और उसमें आप कॉल करें, मैक्सिम जितना कम से कम टाइम होता है उसमें हम डिलीवरी देते हैं। ठीक है सर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये हमारा ऑर्डर लग चुका है, हमारे पास ये ब्रोस टाउन का स्पाइसी सा चरगा आ चुका है भाई। ये पर्चियाँ यहाँ पे जमा होती हैं, फिर इसके बाद उस्ताद ये कटिंग करते हैं इसकी, फिर ये चरगा लगता है और इसके साथ इसको ये गर्मा गर्म पूरियों के साथ खाया जाता है। तो चले भाई ले आए, हमारा ऑर्डर भी ले आए आप। अच्छा गाइस, तो देखें ब्रोस टाउन का ये जो चरगा है हमारे हाथ में आ चुका है। अब अगर आप यहाँ देखें ना तो भाई ये है हमारा लेग का पीस और साथ में ये चेस है और ये जो इनके मसाले हैं ना भाई असल गेम इसका है और साथ में फ्राइज़ भी डले हुए हैं। फुल चरगा आपको मिलेगा भाई ये 1600 रुपए का और हमने लिया है हाफ, ये है 800 रुपए का। तो भाई चलें भी शुरुआत करते हैं साथ में। भाई ये ज़रा हमारे पराठे भी आ चुके हैं तो पराठे इधर रखते हैं। पूरी पराठा अगर आप खाते हैं तो भाई पूरी पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ में चपाती के साथ भी। तो भाई ज़रा ये हम तोड़ते हैं, ज़रा ये दिखाते हैं भाई रहमान। ये देखें भाई ये जो गला हुआ है बिल्कुल ग्रिल चरगा। तो भाई ख़ास बात यही है कि आपने चरगे खाए होंगे फ्राई हुए हुए होते हैं बहुत सारे, तो लेकिन आज जो ये हुसैनाबाद का ब्रोस टाउन का ग्रिल चरगा है ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो भाई मसाले जो इसके ना बड़े शशके बहुत तेज़ हो रहे हैं तो ख़ास स्पाइसी लवर्स के लिए है। तो भाई शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मसाले भाई स्पाइसी है। देखो भाई चिकन जो है ना मतलब बिल्कुल आराम से ग्रिल हो चुकी है और जैसे स्मूथ हो रही है ना, आप आराम से इसको सिर्फ समझे दो उंगलियों से ऐसे ही तोड़ लें, यानी कि गल चुकी है बिल्कुल। आपने देखा होगा बनते हुए भी कि बनते हुए में जो ग्रिल लगी हुई है तकरीबन आधा से पौना घंटा लेती है ये ग्रिल मशीन है, ज़ाहिर सी बात है वो घूमती रहती है और वो साइडों से जो उसकी आग है उससे वो ग्रिल होती जाती है। तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है और साथ में यार एक बात कहूँ मैं, असल है मसाला, मसाले में जो ताकत है ना जो ध्यान है वो खाने के साथ ना बड़ा मज़ा आ रहा है। और साथ में फ्राइज भी भाई, तो नो डाउट भाई चरगा बेहतरीन है, फ्राई चरगे हमने खाए तो आज ग्रिल चरगा खाने का मज़ा आया और चरगे के साथ जो ये मसाला मिला तो लेवल बड़ा नेक्स्ट है। और साथ में इनके पास आइटम आपको पता है ब्रोस भी हैं, बारबेक्यू भी बाहर काफ़ी सारा लगा हुआ था, साथ में चाइनीज़ भी वो दे रहे हैं और आपको पता है बैठने की सिटिंग भी नीचे अच्छी खासी है और इसके अलावा ऊपर एसी वाला फैमिली रूम भी रखा हुआ है, वहाँ पर भी आप बैठ कर आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप हुसैनाबाद आते हैं और आपका चरगे का मूड होता है तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे ब्रोस टाउन लाजमी आएँ, इनका चरगा खाएँ, फास्ट फूड खाएँ या फिर बारबेक्यू खाएँ। अगर आप खाते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अब ये चरगा मैं ज़रा इस पर हाथ साफ करता हूँ, भूख भी बड़ी लग रही है। अच्छा जी, अभी तो फ़िलहाल रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में तो इनकी शहरी तक की टाइमिंग है, इसके अलावा भी रमज़ान बाद या ईद पे या इसके बाद तो टाइमिंग इनकी इन्होंने बता दी थी, आप आराम से आ सकते हैं। और साथ में अगर आप अपनी शादी ब्याह या सालगिरह या कोई भी ऐसा इवेंट जो आप घर में रखते हैं या घर से बाहर उसके अंदर आपको अगर ग्रिल चरगा चाहिए ये वाला, तो ये अपनी मशीन और अपना एक जो बंदा है बनाने वाला उसको आप वो आपको देंगे और वो आपकी महफिल में ये चरगा चार चांद लगा देगा। तो उस पे आपको इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उनसे रابطہ कर सकते हैं और वो रेट आप तय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें फिर मैं ये चरगे को ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपने कोई दूसरा चरगा खाया और अगर आप ये ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा दोनों का डिफरेंट कैसा और ये कैसा लगा आपको। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।